नमस्कार, सभी का स्वागत है। बता दें, दो दिन से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड बंद कर दिया गया है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के पुल नंबर 16 मुंडा पुल पर। बता दें, यहां पर दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर हायाघाट स्टेशन के पास मुंडा पुल के गाटर का बागमती नदी के पानी से संपर्क हो जाने से इस रेलखंड पर बुधवार को दूसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बंद रहा, जिससे जयनगर से दरभंगा होते हुए समस्तीपुर जाने वाले तकरीबन 10,000 यात्रियों से ज़्यादा जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डेली पैसेंजर हैं जो डेली अप डाउन करते हैं। कोविड के कारण काफी लंबे दिनों के बाद लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया था। लोकल ट्रेन शुरू होने के 10 दिन के भीतर नदियों का जलस्तर बढ़ने से रेलवे ने दरभंगा समस्तीपुर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी 055/85/0590 और जयनगर से समस्तीपुर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी संख्या 055/93/055/94 को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। बता दें कि जो 10-15 दिन पहले जो बाढ़ आया था उसमें पूरा पानी कम हो गया था और जो दरभंगा हायाघाट मुख्यालय को जोड़ने वाला सड़क था वो भी खुल चुका था लगभग, लेकिन अचानक फिर से नेपाल से छोड़े जाने वाले बाढ़ के पानी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर इतना भयावह स्थिति हो गया है, इसे पूरा फिर से सभी जगहों पर बाढ़ का पानी फैलने लगा है और बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से मुंडा पुल को बंद कर दिया गया है। बता दें कि अगर आज की बात करें तो यहाँ पर बेनीबाद की अगर बात करें तो 48.68 जो खतरे का निशान है और आज 2004 में जो हो गया था वो 50.01 था। आज का जो जलस्तर है 49.990 जो स्थिर है यहाँ पर पानी, आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर सभी जगहों पर नदियाँ तूफान पर हैं। बिशनपुर की बात करें तो 47.40 ये खतरे का निशान लिखा हुआ है और 2020 में 48.97 हो गया था और आज का जो दिन है वो 47.940 यहाँ स्थिर है पानी, यहाँ भी हाई अलर्ट पर है, खतरे का निशान पार कर गया है। हायाघाट में 48.96 1987 में हो गया था और आज 47.180 ये स्थिर है पानी और यहाँ भी खतरे के निशान को पार कर गया है। सहरघाट की बात करें तो 55.50 जो खतरे का निशान है और 58.25 2019 में हो गया था, 57.320 आज है जो यहाँ धीमे से बह रहा है। बता दें शौली घाट 52.32 खतरे का निशान है, 55.10 2004 में हो गया था, 52.010 आज है जो खतरे का निशान पार कर गया है, यहाँ स्थिर है पानी। आज का रिपोर्ट आपको बता रहे हैं सुबह के 6 बजे के बाद का। कमतौल में 50.00 52.99 1987 में हो गया था, 51.080 बह रहा है। एकमी घाट 46.94 49.52 2004 में हो गया था और आज के दिन में 48.090 है जो यहाँ भी पानी बह रहा है और खतरे का निशान पार कर गया है। जयनगर 67.75 71.35 हो गया था और आज 67.760 यहाँ भी खतरे का निशान पार कर गया है और यहाँ भी बह रहा है पानी। झंझारपुर में 50.00 53.11 हो गया था 2019 में, 50.407 आज है सुबह 6 बजे की बात बता रहे हैं और पानी यहाँ भी धीमे से बह रहा है। तो बड़ी खबर यहाँ तक आज की है जो यहाँ दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड बंद कर दिया है, जिससे हजारों लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जो लोग यहाँ से डायरेक्ट जाते थे, काफ़ी जो ट्रेन है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। नाव का परिचालन लगातार दिया जा रहा है, हायाघाट CEO ने बताया है। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर करिएगा, ऐसे ही खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा के हायाघाट से। अभी यहाँ पर आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? नदी का जो जलस्तर अभी आपने देखा है, क्या स्थिति है और क्या कहना चाहते हैं? नदी का जो जलस्तर है जो दिनों दिनों बढ़ रही है, अभी जो जानकारी मिली है कि आज दिन में सुबह से लेकर अभी तक 8 इंच पानी बढ़ गई है। ऐसी हालत रही, आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति होने जा रही है और सरकार यहाँ के लोगों की बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? मैं हायाघाट आया था तो सुनने में आया कि पानी का जलस्तर बढ़ा था, कि मैंने सोचा कि जाके देख लूं, तो मैं यहाँ आया और लोगों के इसके बारे में जानकारी ली तो लोगों ने बताया कि सुबह से 8 इंच पानी की बढ़ोतरी हुई, जलस्तर बढ़ोतरी होती ही आए।
यही सोच के एक डरावना सी माहौल हो रही है, कैसी स्थिति रहेगी। तो हायाघाट प्रखंड के जो इस साइड में नदी के इस साइड पड़ते हैं, उनका आवाजाही बहुत सारी दिक्कतें की सामना करना पड़ता। ये बताएं कि आप लोगों को जो मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क कितने दिन से बंद है और क्या दिक्कत है यहाँ पर? मुख्य सड़क मिनिमम 2 महीना से बंद है, हर साल यही घटना होती है कि 2 साल से बंद रहता है। अभी कुछ दिनों पहले सरकार के नई नवीकरण सड़क बनी थी, लेकिन सरकार के पास ऐसी नीति नहीं थी, लगता कि यहाँ की जनप्रतिनिधि के पास ऐसी नीति नहीं थी कि यहाँ की भौतिक समस्याओं को देखते हुए इस सड़क की ऊंचाई बढ़ा दी जाती। तो आज लोग जान जोखिम डाल के पटरी के उस साइड आगमन नहीं हो पाते और लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा में कठिनाई नहीं होती, लोग डर के एक नाव के सहारा लेके उधर से इधर जाना पड़ता है। और कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन तभी मजबूर है। कितने लोग सफर करते होंगे, क्या लग रहा है आपको? और नाव से जो लोग जा रहे हैं क्या सुरक्षित है क्या? मिनिमम 2000 आना जाना लगा रहता है डेली, मोटरसाइकिल से सब कुछ से लगा रहता है, लोग घूम के हथौड़ी होके जाते हैं बहुत सारे। यहाँ की नाव की जो स्थिति है कि यहाँ परीक्षण करके कोई नाव संचालक नहीं है, जिसके कारण लोगों में भयावह स्थिति होती है। नाव की परीक्षण बाढ़ के पूर्व में कराई जाती तो लोगों में भयावह की स्थिति नहीं होती, लेकिन डर है। एक नदी के बीच में आप जाइएगा तो डर का माहौल तो रहेगा। रोड बनी थी कुछ दिनों पहले, यहाँ के जो नेता लोग हैं या जनप्रतिनिधि है, विभाग को ये अवगत नहीं करा पाए कि यह सड़क की ऊंचाई 5 फीट या 4 फीट या 7 फीट ऊंचा कर दिया जाए। तो ये ऐसी दिक्कत नहीं रही, यहाँ 10,000 परिवार मिनिमम प्रखंड मुख्यालय आना जाना होता है लोगों को हर कामों से, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि सुस्त हैं। यहाँ का स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी सुस्त है, क्या इनके दिमागों में चलता रहता है मुझे समझ से बाहर है। लोगों को समस्या नजर नहीं आ रही है, आने वाला समय या अभी कुछ हो जाए घटे तो इसका जिम्मेवार कौन है, ये समस्या परे हैं। क्या लग रहा है कि भगवान भरोसे चल रहे है? ये भगवान के भरोसे चल रहा है, हायाघाट की जिंदगी, अमाओं की जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ जहाँ खड़े हैं ये कौन सा पुल है? 16 नंबर पुल हुआ, मुंडा पुल हुआ। अच्छा, तो इसकी स्थिति क्या है, क्या लग रहा है कि ये रेल खंड जो है बंद होगी आजकल में? अभी दिन मतलब समय है, जैसे जलस्तर आज लगातार वृद्धि हुई है सुबह से, ऐसे ही होती रात भर हो तो लगता है कि कल परसों में रेल यातायात बंद हो सकता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत कश्यप। क्या है आप? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो ये सभी लोग वहीं के हैं जी? गांव में बाढ़ का पानी नहीं है? गांव में पूरा पानी है, पानी है। अच्छा, पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। अच्छा, तो कितना नाव आपके लिए दिया गया है, आप लोगों को कितना नाव दिया गया है? हम लोग को नाव कहाँ दिया गया, ये सब प्राइवेट नाव है। सब प्राइवेट है जी? कितना पैसा लेगा यहाँ से गांव तक के लिए? गांव तक के लिए 10 रुपया लेता है एक आदमी का। तो यहाँ से गांव जा रहे हैं, डर भी लगता है? डर नहीं लगेगा। क्या चीज का डर लगता है? नाव डूबने का डर है। और क्या चीज का डर है? सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है? सरकार की तरफ से है 2 ठो नाव, 3 ठो नाव है। अच्छा, खाना पीना? खाना पीना सब मार्केट से ले जाते हैं, खाते हैं। सरकार देता है? कहाँ दे रहा है सरकार खाना पीना? नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। ये कौन सा जगह है? ये हायाघाट है, ये हायाघाट बिलासपुर क्षेत्र में पड़ता है।